सुखस्य मूल धर्म अर्थात सुख का मूल धर्म है, और प्रत्येक इंसान की दुख समस्या का समाधान करना, सेवा करना ही धर्म है। यह विचार आज सरस्वती विद्या मंदिर खरगोन में हुई शिक्षक सहकारी संस्था की वार्षिक साधारण सभा के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने सेवानिवृत्त पश्चात शिक्षकों से समाज की सेवा का आह्वान करते हुए कही। इस अवसर पर 160 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल श्रीफल से सम्मानित करते हुए 5000 की सम्मान निधि भेंट की एवं संस्था के सदस्यों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विशेष अतिथि पूर्व अध्यक्ष CCB प्रकाश रत्न पारखी ने संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रदर्शिता और सदस्य कल्याण के लिए किए गए प्रयास को मिसाल बताया। बापू सिंह परिहार ने शिक्षकों की आर्थिक गतिविधियों से परस्पर विकास करने से अन्य कर्मचारियों को अनुसरण करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये निर्णय लिए गए हैं कि सम्मान निधि 5000 के बजाय 11000 करने पर विचार किया गया है, और सदस्यों को लाभ देने का संचालक मंडल ने विचार किया है। जिस तरीके से मतलब कि साथ संस्था का वो होता है, गठन होता है, उसके पीछे सोच क्या है? सोच यही कि शिक्षकों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए और हमारी शिक्षक साथ संस्था दिनों दिन प्रगति करे। क्या नाम है? महेश सेते, अध्यक्ष शिक्षक सहकारी साख संस्था। संस्था की वार्षिक साधारण सभा है, प्रतिवर्ष होती है, और इस वर्ष की 28वीं साधारण सभा थी। इसमें 160 शिक्षकों का सम्मान हुआ और सदस्यों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका सम्मान हुआ। और अब जो विषय दूसरे सत्र के हैं वो लाभ हानि पत्रक, प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, लाभ, बजट, इसका सबका अनुमान और उस पर सबसे ऊपर चर्चा होगी और निर्णय पारित होंगे। ये लगभग बड़वानी और खरगोन दो जिले की संस्था है। इसमें 1700 के लगभग सदस्य हैं और उसमें से अधिकांश शिक्षक जिनको समय मिलता है वो इस साधारण सभा में उपस्थित होते हैं। रमेश चंद्र पाटीदार, संचालक शिक्षक सहकारी संस्था खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।